मॉर्निंग मैथमेटिक्स लर्निंग स्टेशन की तरफ से अब तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का स्वागत है। जो लोग सब्सक्राइब किए न भी किए, व्यू किए न किए, सब तमाम लोगों का मैथमेटिक्स लर्निंग स्टेशन की तरफ से स्वागत है। आज मैं एक फिर नए टॉपिक के साथ आप लोगों के पास आ रहा हूँ। ये आज का टॉपिक है ज़ीरो। सुनने में थोड़ा सा घबराहट होगा कि ज़ीरो तो हम जानते ही पहले से, लेकिन ज़ीरो सिर्फ जानने से नहीं है। क्या एक टॉपिक पर लेके आया हूँ वो आप समझे। ज़ीरो बोलते हैं कि किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को, किसी भी अंक को, किसी भी संख्या को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट में कितना ज़ीरो आता है इसको पता करना है। ऐसे अंदाज से पता नहीं हो सकता। अभी हम आप सवाल आपके सामने में रखते हैं, फिर आपको पता लग जाए। सबसे बेहतरीन ट्रिक है। इसके दो तरह का ट्रिक बताएंगे, दोनों में से जो आपको पसंद हो उसको आप सेलेक्ट करें, एडॉप्ट करें, ठीक है। ओके, देखें आप, जैसे इसका बेसिक है कि पाँच को अगर एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाँच आएगा, पाँच को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दस आएगा, पाँच को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पंद्रह आएगा, और पाँच को चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ट्वेंटी आएगा, और पाँच को पाँच से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पच्चीस आएगा। इसको ध्यान से देखें आप, ये तो आप जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये ज़ीरो, ये देखिए दो में ज़ीरो आया, ये एक ज़ीरो इसमें है, एक ज़ीरो इसलिए यही नंबर ऑफ द ज़ीरो आपको बताना है। सवाल जो रहेगा उसमें यही नंबर ऑफ द ज़ीरो बताना है राइट से। ऐसा नहीं कि ऐसा लिखा रहेगा दस सौ बीस तो इसमें दो जीरो, नहीं, राइट साइड का जो ज़ीरो है इसमें कितना ज़ीरो है ये ज़ीरो बताना है इकाई से। ये अंदर के ज़ीरो इसको नहीं बताना है, ये सवाल नहीं रहेगा, ये सवाल नहीं पूछेगा, इसका कोई मकसद नहीं बनता पूछने का, ठीक। तो इससे साबित हुआ कि अगर किसी ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो नहीं आता है, ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो नहीं आता है, ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो नहीं आता है। ज़ीरो तभी आता है कि एक ऑड संख्या को एक इवन संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तब ज़ीरो आता है, एक ऑड संख्या को एक इवन संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तभी ज़ीरो आता है। यानी एक विषम संख्या और एक सम संख्या, ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ज़ीरो आएगा। अगर दोनों तरफ जिसको भी मल्टीप्लिकेशन करना है अगर दोनों तरफ विषम संख्या होगा तो उससे ज़ीरो नहीं आएगा, एक बात याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि ज़ीरो लाने के लिए आपको बेस बनाना पड़ेगा। बेस कहीं से बन के नहीं आया है, इसी मैथमेटिक्स से बेस बना है। उसका सबसे अच्छा बेस है फाइव गुने टू, ये बराबर होता है दस। यही आपको बेस बनाना है, किसी भी मैथमेटिक्स को फैक्टर करके उसको पाँच और दो के फॉर्मेट में लाना है। बेस का मतलब ये हुआ कि पाँच और दो के फॉर्मेट में लाना है। अब ये देखिए कि पाँच को दो से मल्टीप्लाई किया तो ये दस क्यों हुआ, इसमें एक ही ज़ीरो क्यों आया, इसमें दो ज़ीरो क्यों नहीं आया, उसका टेस्ट कीजिए। इस पर देखिए कि पाँच का पावर एक है, दो का पावर एक है। अगर पाँच का पावर एक है तो इसका मतलब कि पाँच को एक बार ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाँच हो जाएगा, लेकिन पाँच पे पावर दो का मतलब है कि पाँच को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पच्चीस हो जाएगा। इसी पच्चीस को या ऐसे फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट को लिखते हैं फाइव पर पावर टू, यानी कि फाइव स्क्वायर, ठीक ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि पाँच का पावर एक है, इसको मल्टीप्लाई किया दो का पावर एक, दोनों का पावर एक एक बराबर है, तो इसमें आगे हम आपको अभी बताएंगे कि दोनों का पावर बराबर है तो दोनों के पावर को लेना है, बेस को नहीं लेना है। बेस को बनाना है सिर्फ, लेना नहीं है, लेना है पावर को। तो दोनों का पावर एक एक है इसलिए इसके अंदर एक ज़ीरो आया। आगे भी आप देख लें, पाँच को अगर दस से मल्टीप्लाई किया आपने ये हो जाएगा आपको पचास। अब इसमें कैसे पता करेंगे कि पाँच को दस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक ज़ीरो आएगा कि दो ज़ीरो आएगा कि पाँच ज़ीरो आएगा। तो पाँच का अगर फैक्टर करेंगे आप तो ये बहुत फैक्टर होगा, तो पाँच गुने एक, आई दस का फैक्टर करेंगे ये हो जाएगा पाँच गुने दो, यानी कि इसमें पाँच की संख्या दो संख्या हुआ और दो की संख्या एक हुआ, यानी पाँच का स्क्वायर और गुने दो पर पावर एक हुआ। ये जो बेस पाँच और दो बनता है उनका जो लोअर पावर हो, जो लोअर पावर इस दो और एक में सबसे लोअर पावर है एक, इसीलिए पचास में एक ज़ीरो आया। लोअर पावर को लेना है, एक को लेना है, बड़े पावर को नहीं लेना है, ठीक। तो सबसे ज़रूरी बात इसमें यह है कि इसके ज़ीरो निकालने में आपको बेस दो और पाँच का बनाना है। बेस अगर नहीं है बना हुआ तो आपको बनाना है, सवाल में बेस बना हुआ नहीं रहता है, आपको बनाना है। एक बना हुआ बेस है जो मैं आपको बताता हूँ,
एक सेकंड होल्ड करें, मैं देख रहा हूँ सवाल से। सवाल देख रहा हूँ, जरा होल्ड करें आप। ये देखिए एक सवाल है, 2 पर पावर 222 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 555 इसमें पूछता है नंबर ऑफ द जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ द जीरो कितना होगा। इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके उनके पावर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसमें जीरो कितना निकलेगा। कुछ नहीं करना है, आपको पहले कह चुके हैं कि इतना पावर प्लस 5 का 555 पावर, इसका बेस हमको मिल गया, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, बेस हमको इसका मिल गया, हमको इसका बेस मिल गया, ऑलरेडी दिया हुआ है। सिर्फ पावर को देखना है कि इसमें सबसे छोटा पावर कौन है, तो 222 और 555 इसमें सबसे छोटा है 222। इसका मतलब हुआ कि इसके 2 पर अगर पावर 222 बार इसको मल्टीप्लाई किया जाए और 5 पे पावर 555 बार मल्टीप्लाई किया जाए और दोनों मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट को अगर इस दोनों से गुना किया जाए तो उसमें 222 ज़ीरो आएगा। यही आपका आंसर हुआ, आपके आंसर सीट में रहेगा लिखा हुआ 222 222 225 320 375 इस तरह का रहेगा, वो 222 से ज़ीरो आएगा। आगे आइए, 2 और 5 का फॉर्मेट लाना है आपको, यही आपको ध्यान देना है कि 2 और 5 का फॉर्मेट लाना है आपको, 2 और 5 का फॉर्मेट लाना है। एक दूसरा सवाल देखिए आप, जैसे है 15 × 18 × 17 × 85 × 40, इसमें ज़ीरो की संख्या आपको बताना है, ज़ीरो कितना ज़ीरो होगा इसमें। इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए 15 को 18 से 18 को, फिर उसके मल्टीपल से 17 से, फिर 17 को 85 से 85 के आगे वाले को 40 से अगर किया जाए तो इसमें कितना ज़ीरो आ जाएगा। हमको दावा है कि ऐसे गुणा करने बैठिएगा तो सुबह से शाम हो जाएगा और गलत हो जाएगा। उसके लिए आसान तरीका देखिए, सबसे आसान तरीका 15 का फैक्टर कर लीजिए, 5 × 3 लिख सकते हैं इसको, ये 18 का फैक्टर कर लीजिए आप, 18 का इसको लिख सकते हैं 6 × 3 या 9 × 18 भी लिख सकते हैं आप, 9 × 2 भी लिख सकते हैं आप, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। 18 हुआ, इसको रहने दीजिए 6 × 3, ठीक है। ये 17 है, इसका फैक्टर होगा ही नहीं। ये 85 है, 85 का फैक्टर आप लिखिएगा तो एक होगा 17, दूसरा होगा 5, यानी 17 × 5 = 85, ये आप आइए 40, 40 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 × 40 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखिए 2 और 5 में लाना है, तो इसको आप 20 × 40 भी कर सकते हैं या 8 × 5 = 40 भी कर सकते हैं आप। 8 फैक्टर देख लीजिए 5 में और 2 में लाना है, इस 8 को फिर लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी 8 को 3 बार 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 होगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अब इसमें आपको देखना है कि 5 कितनी बार आया, 1 1 देखिए या 2 और 1 देखिए या 3, इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में जो फैक्टर तोड़ा तो उसमें 5 हमारे पास 3 बार आया, और इसे 6 को भी तो आप लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं ना, यानी 2 × 3 = 6 × 6 = 18, फैक्टर टूटेगा तो तोड़ना है, 2 और 5 के रूप में लाना है, तो इसमें जो है 5 आपको कितनी बार आया, 1 2 1 3, यानी कि 5 पे पावर 3 हुआ, मल्टीप्लीकेशन साइन है इसलिए मल्टीप्लाई रखेंगे। अब 2 को काउंटिंग करेंगे, 2 कितना जाएगा, ये हुआ 1 1 1 2 1 3 1 4, यानी 2 पर पावर ये हुआ आपको 4, ठीक। अब 5 और 2 का फॉर्मेट हमारे पास आ गया, अब इस फॉर्मेट में आ गया तो फॉर्मेट को नहीं देखना है, इसके पावर को देखना है कि इसमें सबसे लोअर वैल्यू कौन है, वही नंबर ऑफ द ज़ीरो होगा। तो ये 5 का पावर 3 है, इसका मतलब होगा कि इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा इसके अंदर 3 ज़ीरो आएगा, इस तरह का ऐसा ज़ीरो आएगा। आगे कुछ भी लिखा जाए 2 9 5 17 कुछ भी लिखा जाए, लेकिन राइट इकाई से आपको इसमें 3 ज़ीरो आएगा, ऑप्शन में रहेगा आपको डाला हुआ 3 5 2 7 9 11, इस तरह का, ठीक है। 2 सवाल हुआ, एक सवाल और इसी तरह का आप देखिए, इसमें बहुत तरह का सवाल है, सब सवाल मैं आपको बताऊंगा। एक सवाल और देखिए आप, ठीक, एक सवाल देखिए, सवाल नंबर 3,
वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स इंटू सेवन पता नहीं कहाँ तक जाएंगे इंटू डॉट डॉट ये सौ तक चले, इसमें बोलता है कि कितना ज़ीरो होगा। अगर पूरे डिजिट को पूरे अंक को एक दूसरे से गुना किया जाए सौ तक तो इसमें कितना ज़ीरो आएगा, पगला जाइएगा। इसका आसान तरीका हम आपको बता देते हैं, टेक्निक नंबर ये दो है, इसको देखिए आप, या टेक्निक नंबर वन भी आप अप्लाई कर सकते हैं फैक्टर तोड़ के, और दूसरा टेक्निक भी देख लीजिए, जो पसंद आवे वो टेक्निक रखिए। जहाँ तक ये नंबर गया है उस नंबर को आप पकड़ लें, सौ तक गया है, ये आपको कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक क्रमागत संख्या है, ये सब में अंतर आपको डिफरेंस एक का है, देख लीजिए सब में डिफरेंस एक का है, डिफरेंस से आपको कोई मतलब नहीं है, ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दस सौ तक गया, जो आखिरी में जहाँ तक पूछता है वहाँ पर उसको रोक के उसको पाँच से डिवाइड कर दीजिए आप। पाँच कहाँ से आया इसके पीछे मत रहिए आप, सिर्फ आपको याद रखना है कि जहाँ तक नंबर जहाँ पे नंबर इंड किया उस नंबर को उठा लेना है, उसमें पाँच से डिवाइड करना है, और पाँच से डिवाइड उस समय तक करना है जब तक कि कंप्लीट कैंसिल नहीं हो जाए, कंप्लीट कट नहीं जाए। हो सकता है कि इसके काटने में आपको कुछ विशेष बचेगा, शेष बचेगा, तो शेष के बारे में परेशान होने का काम नहीं है। कभी हो सकता है दशमलव में आ जाएगा, तो दशमलव से मतलब डिसिमल से मतलब नहीं है, राइट साइड का डिसिमल लेना ही नहीं है, लेफ्ट साइड से ही काम करना है। इसको देखिए, ये कट जाएगा आपको 20 बार में, 20 पंचे सौ, ये 20 बार में कट गया। अब इस 20 में फिर 5 से भाग देंगे तो कटेगा ना, 5 चौका 20 ये हो जाएगा 4। इस दोनों को क्या कीजिए, आपस में जोड़ लीजिए, 20 प्लस 4 ये हो जाएगा आपको 24। इसका मतलब हुआ कि एक से लेके 100 तक का अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसमें 24 ज़ीरो आएगा, जो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा भाई, नहीं तो आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लीजिए आप, 24 ज़ीरो आएगा, 24 ज़ीरो, एक से लेके 100 तक के मल्टीप्लिकेशन में 24 ज़ीरो है। ठीक, आगे आइए, 24 ज़ीरो, इस 100 को हटाइए, इस 100 को हटाइए और इस पर 200 रखिए, तब पता कीजिए कि इसके मल्टीप्लिकेशन में कितना ज़ीरो आएगा। 200 में अगर रखते हैं तो कितना ज़ीरो आएगा, फिर वही बात कहते हैं ब्रेन काम नहीं करेगा, जहाँ पे इंड करता है उसको उठा लें आप 200, और उसमें 5 से डिवाइड करें, उस समय तक डिवाइड करें जब तक ये कंप्लीट कट नहीं जाता है। अगर शेष बचता है बचने दीजिए, पॉइंट में आता है आने दीजिए, पॉइंट राइट साइड में आएगा उसको भूल जाना है, इसलिए कंप्लीट नंबर उठाना है। इसको देखिए ये कितना बार में कट जाएगा, 40 बार में ये कट जाएगा, ये हुआ 40। अब ये 40 5 से फिर कटेगा, यानी 40 समय तक काटते रहना है, 5 8 40 ये हुआ 8, ये 5 से 8 बड़ा है, 8 में 5 से भाग जाएगा तो फिर 8 में 5 से भाग देंगे, 8 5 दूरा नहीं जाएगा, 5 इकाई जाएगा, एक बजे जो शेष बचा उसको भूल जाइए। 5 में 8 में 5 से भाग दिया तो एक मरतबे गया, शेष बचा 3, इस 3 शेष को भूल जाइए, हमको इससे काम है। एक लिखा, इन सब को आप जोड़ दीजिए तो 40 अब प्लस 8 ज़ुबान पे जोड़िए, 40 9 49, इसका मतलब हुआ कि एक से लेके अगर 200 तक मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर को तो उसमें 49 ज़ीरो आएगा। कैलकुलेटर फेल हो जाएगा साहब, 49 ज़ीरो ऐसे गिनती करना है, 49 ज़ीरो ऐसे लेफ्ट साइड से 49 ज़ीरो, ऐसा कैलकुलेटर नहीं है अभी धरती पे। ठीक, आगे आइए, इसी को 200 को उठा के अगर 500 कर दीजिए कि अगर एक से लेके 500 तक अगर गुना होता है तब कितना हमारे पास ज़ीरो आएगा, एक से लेके 5 तक होता है तो कितना ज़ीरो हमारे पास आएगा वो आप देख लें। ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, मर जाइएगा। यह है नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर, याद रखिए, यह प्राकृतिक क्रमागत संख्या है, ये इसके डिफरेंस उफरेंस से आपको मतलब नहीं है। जहाँ पे ये नंबर रुका, जहाँ तक पूछ रहा है उसको उठाइए और उसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये कट जाएगा 100 टाइम, यानी कि ये होगा 100, और फिर 100 में 5 कटेगा, यानी कि 100 में 5 से भाग दीजिएगा, 5 दूना 10 20 पंचे 100 ये 20 है, ये फिर 20 5 से बड़ा है, भाग लगेगा, यानी 20 में
पाँच से बीस दीजिएगा, पाँच चौका बीस, ये आ गया चार, ये चार छोटा है, ये पाँच बड़ा है, चार में पाँच से भाग नहीं लगेगा। अगर आप लगाते हैं ज़बरदस्ती ये पॉइंट में आएगा, आठ पंचे चालीस। मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि ये पॉइंट वाला 0.05 दो तीन पॉइंट के कुछ भी आवे उसको नहीं लेना है, और शेष जो बचेगा रिमाइंडर उसको भी नहीं लेना है, ठीक। अब इन सबको आपस में आप जोड़ लें, आप साहब इन सबको जोड़ लें तो 100 प्लस 20 प्लस 4 ये हो जाएगा 124। इसका मतलब हुआ कि एक से अगर 500 तक की संख्या को गुना किया जाए तो उसमें 124 जीरो आएगा। 124 जीरो का मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा कोई दुनिया में कैलकुलेटर नहीं है जो आपको गुना करके 124 जीरो बता दे, ठीक है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और देख लें आप। ये एग्जामिनेशन में पूछता है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, यहाँ तक होमगार्ड के एग्जामिनेशन में पूछ रहा है सवाल कितना जीरो होगा, बड़ी से बड़ी संख्या देता है, पूछता है कितना जीरो होगा। अब देखिए एक सवाल देख लीजिए, पांचवा सवाल, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × होते होते 125 पे गया, इस पे बताइए जीरो कितना आएगा, ये बताना है आपको। एक से शुरू किया है, ये फिर नेचुरल कंस्टिट्यूटिव नंबर है, नेचुरल कंस्टिट्यूटिव नंबर है, प्राकृतिक क्रमागत संख्या है, 125 पे जाके ये रुक गया है। बोलता है कि एक से अगर गुना शुरू कीजिए सबको आपस में, 125 तक गुना करेंगे तो कितना जीरो आएगा उस गुणनफल में, ये आपको जानना है। कुछ नहीं करना है, 125 जहाँ रुका है उसको उठा लेना है, अब पाँच से उसको डिवाइड करना है। पाँच के पीछे आपको नहीं पढ़ना है कि पाँच कहाँ से आया, ये कहीं से भी आया उसको जाने दीजिए। इसको काटिए तो 25 पंचे 125, ये हुआ 25। इस 25 में फिर 5 से भाग लग जाएगा, देख दीजिए काट के, ये बचा 25, ये 5 बचा। इस 5 में भी 5 से भाग लग जाएगा, जब तक उस समय तक भाग देते रहना है जब तक कि 5 से छोटा नहीं आ जाए। 5 से 5 में भाग लग गया, एक आया, इन सबको आप जोड़ दीजिए, यानी कि 25 और प्लस 5 और प्लस 1 ये हुआ 31। इसका मतलब हुआ कि एक से लेके अगर 125 तक गुना करते हैं तो उसमें 31 जीरो आएगा, इस तरह का 31 जीरो आएगा। गिनती करते रहें आप अभी से लेके कल तक, इस तरह का, ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं है, यही सबसे आसान तरीका है। दो तरीका आपको बताया, आपको जो पसंद आता है वो तरीका आप रखें, जो पसंद नहीं आता है उसको आप अपने पास नहीं रखें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो हमारा आपके पास पहुंचता है, सबसे पहले तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको ये सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन में ऑल दबा दें, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड होता है सब आपके पास पहुँचेगा। और हम शुरू से अंत तक पूरी मैथमेटिक्स को ला रहे हैं, चाहे किसी भी क्लर्कल कैडर का एग्जामिनेशन हो उससे मतलब नहीं है। आप इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी कन्विंस करें, उनको शेयर करें, लाइक करें, रेगुलर हमारा एक वीडियो आप तक पहुंचेगा। एक क्लास 9-10 का वीडियो मैं बनाता हूँ उससे आपको मतलब नहीं है, आपके कंपटीशन पर्पज से जो वीडियो बनाता हूँ उससे मतलब है। अगर 9-10 देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे वीडियो को शेयर करना आप नहीं भूलें और लाइक करना, साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप सब्सक्राइब करें। अगर रियली हमारे इस फंडा से, हमारे स्ट्रिक से, टेक्निक से आपको 0.25% का भी फायदा हुआ हो तो अपने हृदय से पूछिए, हम आपके ज्ञान में बढ़ोतरी कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, कंपेनियन, साथी, फ्रेंड जो भी हैं उनके साथ आप शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करें। फिर चलिए बात होगी आगे, फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड करेंगे, फिर आपसे बात होगी। तब तक के नमस्कार, ओके, बाय बाय।